साथ रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर में कांग्रेस की 3 सीटें पैनल में फंसी, रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर और धरसीवा की सीट पर माथापच्ची, आरंग, अभनपुर और रायपुर पश्चिम से एक एक नाम, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय का नाम, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा का नाम, सबसे ज्यादा घमासान रायपुर दक्षिण सीट पर, रायपुर दक्षिण सीट पर सन्नी अग्रवाल, एजाज ढेबर के नाम पर, आपको बता दें प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो रायपुर दक्षिण सीट से आपको बता दें सन्नी अग्रवाल, एजाज ढेबर का नाम शामिल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, राजधानी में कांग्रेस की 3 सीटों पर अब पैनल में फंसे हुए पेच नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 दर्जन सीटें जो है वो पैनल में फंसी हुई, जिसमें राजधानी की 3 सीटें जो है, रायपुर जिले की 3 सीटें जो है वो भी पैनल में फंसी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा अगर उहापोह की कहीं स्थिति है तो वो रायपुर दक्षिण की सीटें, जहां पर 4 दावेदारों के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। यूं तो बाकी सीटों में 2-2 नाम है, लेकिन रायपुर दक्षिण ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर सन्नी अग्रवाल का नाम है, कन्हैया अग्रवाल का नाम है, एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे, चारों दिग्गज नेता है जिनके नाम वहां पर सामने आ रहे हैं। इसी तरह से धरसीवा की सीट है जहां पर वर्तमान विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ ही साथ चंद्रशेखर शुक्ला और देवव्रत नायक के भी नाम है। तो इस तरह से जो पैनल है वो लगातार बने हुए हैं। इसी तरह से अगर अपन देखें उत्तर सीट जो है, वहां पर विधायक कुलदीप जुनेजा का नाम तो है ही, लेकिन अजीत कुकरेजा और डॉक्टर राकेश गुप्ता का नाम प्रमुखता से लिया। तो इस तरह से रायपुर की ही जो सीटें हैं वो पैनल में फंसी हुई है, और निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि रायपुर की सीटों पर जो ऐलान है कांग्रेस की टिकट का वो सबसे अंत में होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस की सीटों का ऐलान अभी इंतजार और करना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।